हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल के द्वारा 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में कंडक्ट कराया गया पेपर का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उस पेपर का दोस्तों ये लास्ट क्लास है जिसमें आज हम 150 नंबर तक क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ दोस्तों उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का मोटिवेशन लाइन पढ़िएगा कि वक्त तो कितना भी सताले हमें, सुनिएगा दोस्तों, वक्त तू कितना भी सताले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे, है ना दोस्तों। तो तैयारी दोस्तों आपको ऐसा करना है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो भी आप उसका आंसर कर सकते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, इस क्लास का टेलीग्राम चैनल पर आपको ई नोट्स भी मिल जाएगा, इसलिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 136 नंबर से यानी कि 136 नंबर का जो क्वेश्चन है आज का, हमारा पहला क्वेश्चन तैयार होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी थायरिस्टर में प्रवाहित वह न्यूनतम एनोड करंट, सुनिएगा, किसी थायरिस्टर में प्रवाहित वह न्यूनतम एनोड करंट जिससे कम होने पर जो थायरिस्टर है ना ये ऑफ स्टेज पर आ जाती है। एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तब दोस्तों चीज़ें जो है आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। ये ग्राफ है SCR की, यहाँ पर वोल्टेज चलेगी और यहाँ पर करंट चलेगी। इसका जो ग्राफ है दोस्तों बहुत ही आसान ग्राफ है और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। देखिए अब इसमें से अगर मैं कहूं इस लाइन को क्या कहा जाता है, तो यह है दोस्तों आपका FCM। FCM का मतलब होता है कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड ऑन स्टेज, है ना, ऑन स्टेज। यहां पर देखिए जो करंट चलती है ना इसी करंट को कहा जाता है दोस्तों लैचिंग करंट, इसी को कही जाती है लैचिंग करंट। और इस लैचिंग करंट से जस्ट नीचे जो होता है यानी कि थोड़ी सी कम अमाउंट की जो करंट होती है इसको कहा जाता है दोस्तों होल्डिंग करंट, इसको कही जाती है होल्डिंग धारा, है ना। और ये वाली जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं दोस्तों इसको कहा जाता है, ये है SCR का एम्पलीट्यूड, है ना, यानी कि आप लिख सकते हैं पल्स गेट एम्पलीट्यूड गेट से जो आप पल्स देते हैं ना उस पल्स का ये एम्पलीट्यूड है। तो चीज़ें समझिएगा यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं किसी थायरिस्टर में वैसे ही करंट का भी बढ़ना दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक स्टेज आती है इस पॉइंट पर, है ना, एक स्टेज आती है इस पॉइंट पर यानी कि ये जो करंट है ना दोस्तों ये करंट आवश्यक है किसी SCR को देना, ऑन स्टेज पर रखना, क्योंकि ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑन स्टेज वाली लाइन है। अगर इस करंट से अगर कम करंट हो जाती है SCR में ना तो दोस्तों आपकी SCR क्या हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ऑन तो रहेगी लेकिन काम नहीं करेगी। तो दोस्तों काम करने के लिए आपको लैचिंग करंट चाहिए यानी कि SCR को, और जो आपकी होल्डिंग करंट है वो क्या कहती है कि होल्डिंग करंट तक अगर आप करंट दे के रखते हैं SCR को तो SCR ऑन स्टेज पर रहेगी, अगर होल्डिंग करंट से कम करंट हो जाती है तो SCR अपने आप शट डाउन हो जाएगी, अपने आप ऑफ स्टेज पर आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर होल्डिंग करंट हो जाएगी, है ना, यही पूछा गया है आपसे, तो आंसर होल्डिंग करंट हो जाएगी। देखिए डिफ्यूजन करंट किसको कहते हैं, तो डिफ्यूजन करंट जो है ना दोस्तों ये किसी सेमी कंडक्टर में, सुनिएगा, जो कोई भी सेमी कंडक्टर है ना दोस्तों सेमी कंडक्टर में दोस्तों डोपिंग मिलाने से चलती है, किससे चलती है ये, डोपिंग मिलाने से चलती है। अगर किसी पदार्थ में आप डोपिंग ऐड करते हैं तो डिफ्यूजन करंट चलता है। इसकी खास बात क्या होती है, तो दोस्तों ये तापमान पर निर्भर नहीं करती, ये जो करंट है ये तापमान पर निर्भर दोस्तों ये नहीं करती है ना, तापमान पर निर्भर ये नहीं करती है। और दूसरी क्या क्वालिटी है इसके अंदर, दूसरी जो क्वालिटी है वो दोस्तों ये सर्किट में प्रवाहित नहीं होती है ना, ये क्या करती है, सर्किट में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये दोनों बातें दोस्तों, तीनों पॉइंट आप नोट करिएगा कि सेमीकंडक्टर में जब भी आप डोपिंग मिलाएंगे तो डिफ्यूजन करंट चलती है, ये टेम्परेचर से डिस्टर्ब नहीं होती और दोस्तों ये सर्किट में प्रवाहित नहीं होती है। और जो ड्रिफ्ट करंट है ये कौन सी करंट है, तो ये ड्रिफ्ट करंट दोस्तों जस्ट इसका उल्टा है, है ना, ये सप्लाई देने पर, है ना,
ये क्या करने पर, किसी मटेरियल में दोस्तों सप्लाई देने पर प्रवाहित होती है ना, सप्लाई देने पर ये क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर और है कि ये तापमान पर डिपेंड करती है दोस्तों, है ना, तापमान पर ये निर्भर करती है और ये सर्किट में प्रवाहित होती है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, सर्किट में ये प्रवाहित होती है। तो सर्किट में प्रवाहित कौन सा करंट होती है, वो दोस्तों ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और जो सर्किट में प्रवाहित नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और ये दोनों दोस्तों सेमीकंडक्टर के अंदर होती है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर, कि किसी पावर थायरिस्टर में सिटकिनी करंट किस रेंज में होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, और ऐसा क्वेश्चन ना दोस्तों आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और बड़ा ईजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो एम्पियर में, इसका करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, कि एम्पियर में थायरिस्टर में जो भी सिटकिनी करंट, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया लैचिंग करंट, वो लैचिंग करंट ही सिटकिनी करंट है, और वो एम्पियर में चलती है। मिली एम्पियर में कहाँ करंट चलती है, वो दोस्तों डायोड में, लिखेगा कहाँ चलेगी ये, डायोड हो गया या फिर दोस्तों ट्रायोड हो गया, है ना, डायोड या फिर ट्रायोड। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी ट्रांजिस्टर होती है ना, इनमें मिली एम्पियर में करंट चलती है। हालांकि डायोड ट्रायोड ये सब दोस्तों थायरिस्टर के परिवार का ही सदस्य है, लेकिन फिर भी इसमें एम्पियर नहीं, इसमें मिली एम्पियर में करंट चलती है। किलो एम्पियर और मेगा एम्पियर में दोस्तों ये सर्किट ब्रेकर में चलती है। कहाँ पर चलेगी ये, सर्किट ब्रेकर में ही ये करंट चलती है, इतना हाई अमाउंट वाली। नैनो एम्पियर करंट कहाँ पर चलती है, याद रखिए दोस्तों, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो सिलिकन की बनी हुई दोस्तों, किसकी, जो सिलिकन की बनी हुई डायोड होती है उसके रिवर्स बायस में दोस्तों, है ना, रिवर्स बायस में जो लीकेज करंट चलती है ना, जो लीकेज धारा चलती है वो दोस्तों किस में चलती है, वो नैनो एम्पियर में ही चलती है, है ना, वो किस में चलेगी, वो नैनो एम्पियर में चलेगी। तो फिलहाल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बस दोस्तों इस क्लास को ना शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ ना दोस्तों, आप तक पहुँचाने में मुझे थोड़ी सुविधा हो सके, इसलिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 138। वैद्युतिक उपकरणों से लगी आग को किस यंत्र द्वारा नहीं बुझाया जा सकता है, है ना, बुझाया जा सकता है दोस्तों, वो तो है आपका झाग युक्त यंत्र, सूखा पाउडर युक्त यंत्र और CO2 युक्त यंत्र। लेकिन इसमें जो वाष्पशील तरल युक्त यंत्र है ना दोस्तों, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे बुझा नहीं सकते हैं। वजह अगर आप पूछेंगे दोस्तों तो मैं एक ही वजह बताऊंगा, क्योंकि आग किसकी वजह से लगी हुई है दोस्तों, वैद्युत की वजह से लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी हुई है। और जो तरल, मान लीजिए कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो दोस्तों खतरा जो है वो और बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का भी खतरा बढ़ जाएगी और आग का खतरा पहले से ही है। तो इस प्रकार के फायर यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। झाग युक्त यंत्र, सूखा पाउडर युक्त यंत्र, CO2 युक्त यंत्र, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों पहचान करने की बात कही जाए कि कैसे आप पहचानेंगे कि झाग युक्त यंत्र कौन सा यंत्र है, दोस्तों कलर कलर से पहचान के बताइए। तो देखिए, जो फोम टाइप यंत्र है दोस्तों वो क्रीम कलर का होगा, है ना, जो इसमें सिलेंडर होगी वो क्रीम कलर की सिलेंडर होगी, और जो सूखा पाउडर युक्त यंत्र है वो दोस्तों कैसा होगा, ब्लू कलर का, है ना, कैसा होगा दोस्तों, वो नीला कलर का सिलेंडर जहां भी रखी होगी आपको देखते ही दोस्तों ये पहचान कर लेना है कि इसमें सूखा पाउडर भरा हुआ है। CO2 वाला दोस्तों इसके अंदर काला रंग का होगा, है ना, काला सिलेंडर होगा, सिलेंडर का रंग कैसा होगा दोस्तों, काले कलर का सिलेंडर होगा, उसके अंदर CO2 पदार्थ भरी होगी, है ना। तो इतना आसान है दोस्तों, बस कलर के द्वारा आप उस सिलेंडर को पहचान कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को संचालित करने के लिए किस प्रकृति वाली सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ये भी दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आपको पता है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है कि DC और AC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो AC सप्लाई है दोस्तों मोटर के किस भाग में देते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग में, ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ पर, आर्मेचर वाइंडिंग में इसको देते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग से हमें किस प्रकार का दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होता है, है ना, तो लिखिएगा रोटेटिंग फ्लक्स, कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, रोटेटिंग फ्लक्स। और DC सप्लाई से दोस्तों हमें, DC सप्लाई को हम फील्ड वाइंडिंग में देते हैं,
कहाँ पर? फील्ड वाइंडिंग में देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को क्या करने के लिए? एक्साइट करने के लिए। और इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होता है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होता है, है ना, कौन सा? स्टैटिक फ्लक्स। लेकिन दोस्तों ये स्टैटिक फ्लक्स, ये रोटेटिंग फ्लक्स, ये मैच कैसे आपस में होंगे, सिंक्रोनाइज कैसे होंगे? इसीलिए दोस्तों देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट हो रही है डीसी सप्लाई के द्वारा, वो दोस्तों स्टैटिक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस रोटर को ही दोस्तों हम क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, रोटर को ही क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, जिससे ये भी फ्लक्स दोस्तों अब घूमने लगेगी, अब दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। स्पंदमान डीसी सप्लाई, इसकी आवश्यकता कहाँ पर पड़ेगी? तो ध्यान दीजिएगा, जो पल्सेटिंग डीसी है ना दोस्तों, बिल्कुल नया चीज़ आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा शिद्दत से, इसका प्रयोग दोस्तों वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि आपका दोस्तों पतली कार्बन फिल्म है ना, कहाँ पर किया जाएगा? पतली कार्बन फिल्म का निर्माण करते समय, है ना, पतली कार्बन फिल्म का निर्माण करते समय, निर्माण करते समय इलेक्ट्रिक आर्क को रोकने के लिए, किसको दोस्तों? आर्क को कंट्रोल करने के लिए या आर्क को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पतली कार्बन फिल्म का निर्माण करते समय आर्क को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम पल्सेटिंग डीसी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी ऑप्शन में ये ना रहे ना, तो आप लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप को कम करने के लिए, है ना, बिल्डअप को कम करके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप को कम करके दोस्तों क्या किया जाता है, जो सेमी कंडक्टर का फैब्रिकेशन है दोस्तों, सेमी कंडक्टर का जो फैब्रिकेशन होती है ना, फैब्रिकेशन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना, बहुत बड़ी हो गई ना, लेकिन आपको इसको याद रखना ही होगा दोस्तों। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप को कम करके सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसको बढ़ाने के लिए पल्सेटिंग डीसी का। इसके अलावा जो पतली कार्बन फिल्म होते हैं ना, उसका निर्माण करते समय इलेक्ट्रिक आर्क को कंट्रोल कर, इलेक्ट्रिक आर्क को कंट्रोल करने के लिए। शुद्ध डीसी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं आप? तो इसका प्रयोग दोस्तों आप एयरक्राफ्ट में करते हैं। कहाँ पर? एयरक्राफ्ट में, या फिर दोस्तों बैटरी चार्जिंग में, है ना, या फिर बैटरी चार्जिंग में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है डीसी का यूज और एसी का यूज। देखिए दोस्तों, जब भी बात अगर फेज की आए ना, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, जब भी बात फेज की आए तो आपको क्या समझ जाना है कि वो एसी सप्लाई की बात हो रही है, डीसी सप्लाई की बात नहीं होती है, है ना। सार्वत्रिक मोटर की स्पीड तथा लोड कर्व विशेषता किस मशीन के समान होती है? ये भी दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मशीन, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ को दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ पर है लोड, ये है लोड और यहाँ पर है एन स्पीड। इसका दो, इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों वो किस प्रकार का ग्राफ बनता है? इस प्रकार का। इस आकार को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। ये कौन सा आकार है? ये है हाइपरबोला, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि स्पीड दोस्तों बहुत हाई आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो लोड है ना दोस्तों, वो मान लीजिए लोड यहाँ पर है 10 केजी, मोटर में 10 केजी का लोड है, तो आरपीएम कितना है? 1000 आरपीएम पर आपकी मोटर चल रही है। लेकिन जैसे आपने लोड बढ़ा दिया है ना, लोड आपने बढ़ाकर कितना कर दिया, लोड बढ़ाया आपने 20 केजी इस पर मोटर पर डाल दिया, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 500 आरपीएम, है ना, कितना? 500 आरपीएम। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपने दोस्तों लोड बढ़ाया, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाती है? डाउन होती जाती है, है ना। और जो आपकी सार्वत्रिक मोटर है, एसी डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस आपको जानना है, है ना। पहला कंडीशन क्या होता है? देखिए, पहला कंडीशन होता है दोस्तों कि पोल शैम्फरिंग करना, है ना, पोल शैम्फरिंग या पोल स्लॉटिंग करना। पोल स्लॉटिंग क्यों किया जाता है? ताकि दोस्तों जो एडी करंट लॉस होती है ना,
जो एडी करंट लॉस होती है उस लॉस को हम क्या कर सकें, कम कर सकें, क्योंकि मोटर को हमें एसी सप्लाई से चलाना है और एसी सप्लाई में आपको पता है कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो एडी करंट लॉस को बढ़ाती है, इसलिए हमें उसको कम करने के लिए पोल शैम्फरिंग करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखेगा कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, फील्ड वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो होता है उस टर्न रेशियो को कम करना, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो होता है उसको क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, उसको क्या करना है, बढ़ाना। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें टॉर्क को बढ़ाना है, क्यों करते हैं, ताकि हमें टॉर्क को हम बढ़ा सकें, इसलिए फील्ड वाइंडिंग की टर्न को कम, आर्मेचर वाइंडिंग की टर्न को अधिक, और फाइनली टॉर्क बढ़ जाता है। और इसी के साथ में जो मेन वाइंडिंग होती है ना, कौन सी वाइंडिंग, जो मेन वाइंडिंग होती है, इसके साथ में दोस्तों इंटरपोल वाइंडिंग लगा करके, कौन सी वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग लगा करके हम इसको एसी सप्लाई से चला सकते हैं। तो ये कई सारे कंडीशंस हैं और आपको दोस्तों इस कंडीशन को ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी और इससे भी और इससे, देखिए आपके सामने ही क्वेश्चन पड़ी हुई है ना। तो कोई सा भी दोस्तों जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो दोस्तों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, इसलिए आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी करना है ना। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यूनिवर्सल मोटर नो लोड भार पर चलती है, बहुत हाई स्पीड से चलती है, बहुत ही हाई स्पीड से चलती है ना। इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों एसी सप्लाई पर, देखिए जब भी हम बात करेंगे एसी सप्लाई पर, तो एसी सप्लाई पर जो इसकी स्पीड है दोस्तों, स्पीड जो होती है ना वो कम होती है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, किसकी तुलना में, डीसी की तुलना में कम होती है। और जो इसकी दक्षता होती है ना, वो दक्षता भी दोस्तों क्या होती है, कम होती है। लेकिन वहीं पर जब डीसी सप्लाई की बात की जाए, तो डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसमें जो स्पीड होती है ना बहुत अधिक होती है और एफिशिएंसी भी बहुत अधिक होती है, लगभग दोस्तों 40,000, कितना, 40,000 आरपीएम तक डीसी सप्लाई में यही यूनिवर्सल मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन एसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें दोस्तों लॉसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, लॉसेस बढ़ने की वजह से, लॉस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर नहीं किया जाता है, है ना, मिक्सी ग्राइंडर में किया जाता है। देखिए, जो घरों में चटनी, अचार, मसाले वगैरह ये सब पीसने के लिए जो होते हैं ना दोस्तों, उसमें हमेशा यूनिवर्सल मोटर ही लगा हुआ होता है। और जो हैंड्रिल मशीन होती है, जब भी आप हैंड्रिल मशीन चलाएंगे, तो जो भी आपका सीनियर होगा वो हमेशा आपको यही बोलेगा कि हैंड्रिल मशीन को ताकत लगा के पकड़ना, क्योंकि दोस्तों वो हाई आरपीएम पे चलती है और वो झटका भी दे सकती है, इसीलिए हैंड्रिल मशीन में दोस्तों यूनिवर्सल मोटर लगा होता है। ऑटोमेटिक युक्त सिलाई मशीन में भी यही होती है कि जो सिलाई मशीन होती है दोस्तों, उसमें भी यही यूनिवर्सल मोटर ही लगी होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना, इस पे नहीं लगी होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये कभी नहीं लगी होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब होता है दोस्तों जो पानी देती है, ठीक है ना, किसी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर को और किस नाम से जाना जाता है इसका, देखिए इसको दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन दोस्तों दूसरे टाइप से पूछा गया था, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो दाब वायर होगा, क्या होगा, प्रेशर वायर। देखिए, एक्स्ट्रा हाई टेंशन किसकी बात कर रहा है, ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात कर रहा है ना, एक्स्ट्रा हाई टेंशन किस वोल्टेज तक की वोल्टता को कहते हैं, 33 से लेकर के 66 केवी तक की वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाली वोल्टेज कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन है दोस्तों, इसमें जो 33 केवी है इसमें स्क्रीन केबल प्रयोग किया जाता है, और जो 66 है इसमें प्रेशर केबल प्रयोग किया जाता है, कौन सा, प्रेशर केबल प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो दाब है ना दोस्तों, जो प्रेशर है, ये प्रेशर होता किस चीज़ का है, तो प्रेशर दोस्तों या तो ऑयल का होगा या फिर गैस की होगी, यानी कि तेल का या फिर गैस का प्रेशर होगा इस केबल के अंदर होगी, है ना। वही आपसे पूछा गया था कि दाब केबल, हॉट वायर किसको कहते हैं दोस्तों, फेज वायर को हम हॉट वायर कहते हैं, किसको, फेज वायर को हॉट वायर कहा जाता है। गोय वायर किसको कहा जाता है, ये दोस्तों पोल को जो सहारा देती है ना, पोल को
सहारा देने वाली वायर है ना, सहारा देने वाली वायर को ही हम इस नाम से जानते हैं ना। पोल को सहारा देने वाली जो वायर होते हैं उसी को हम गोय वायर कहते हैं, और उदासीन वायर जिसमें जो न्यूट्रलाइज होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144। डीसी मशीनों में कम्यूटेटर खंडों की संख्या किसके बराबर होती है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। अब की बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाए एग्जाम देने का। आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जितने आर्मेचर क्वाइल होंगे ना उतने ही कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे, है ना। तो कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जो कम्यूटेटर होते हैं ना, अगर मैं कहूं दोस्तों कम्यूटेटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो आप नोट करिएगा। सबसे पहला तथ्य लिखेगा कि इसका जो आकार होता है ना, कम्यूटेटर का आकार दोस्तों कैसा होता है, वी आकार का, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट का आकार वी आकार का होता है। और इसको दोस्तों हम कनेक्शन कैसे करते हैं, कॉपर लक्स के द्वारा, कैसे करते हैं, कॉपर लक्स या फिर दोस्तों कॉर्ड रेजिन सोल्डर के द्वारा, है ना, कॉर्ड रेजिन सोल्डर के द्वारा हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं किसका, आर्मेचर वाइंडिंग से जो निकली हुई टर्न्स होती हैं उसका कनेक्शन करते हैं इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, है ना, कॉपर लक्स के द्वारा। अगर बड़ी मशीनें हैं तो, अगर छोटी मशीनें हैं तो कॉर्ड रेजिन सोल्डर के द्वारा करते हैं, है ना। इसके अलावा देखिएगा, ये हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, किसका, हार्ड ड्रोन कॉपर का ये तैयार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, तथा डीसी को एसी में भी ये परिवर्तित कर सकती है, यानी ये सारे काम किसके हैं, ये कम्यूटेटर भाई साहब का ये सारे काम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज एलिमेंट से बहने वाली वर्तमान द्वारा प्रेरित ऊष्मा किस राशि के अनुपातिक होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आई स्क्वायर आर टी। ये किसने दिया था दोस्तों, ये जूल का जो नियम है ना दोस्तों, वहीं से ये क्या आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए जो यहाँ पर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना दोस्तों, इसमें से जो आई है केवल आई के कारण ही तापमान उत्पन्न नहीं होता, आर के कारण भी तापमान उत्पन्न होती है, है ना। हीट जो जनरेट है वो रेजिस्टेंस के कारण भी होती है, और करंट दोनों कंपोनेंट के कारण होती है, ठीक है ना। प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है, सबसे पहले आप समझिए प्रतिबाधा कहते किसको है। मान लीजिए दोस्तों एक सर्किट है, इसमें इस प्रकार से एक प्रतिरोध कनेक्ट है, है ना, और एक क्वाइल भी इसी में कनेक्ट है, और एक कैपेसिटर कनेक्ट है, और इसको हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, 230 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं। अब अगर आप इसमें से दोस्तों कैलकुलेट करना चाहेंगे ना, तो इस आर का भी एक रेजिस्टेंस होगा, इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, और इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा। जब टोटल रेजिस्टेंस है ना, जब आर टी बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, टोटल यानी कि इसको मैं R1, R2 और R3 नाम दे दूं, इन तीनों का जब आप कैलकुलेशन करके टोटल रिजल्टेंट प्रतिरोध का मान जब निकालेंगे ना, वही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल करके आएगी उसी को हम कहते हैं प्रतिबाधा इम्पिडेंस। और दोस्तों इसको ओम से लिखा जाता है, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम। महोस किसकी यूनिट होती है, ये दोस्तों होती है चालकता की, किसकी, चालकता की। और इसके अलावा दोस्तों सीमेंस भी इसी की यूनिट है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। हर्टज किसकी होती है, ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी की हर्टज होती है ना, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। आपको कमेंट करके बताना है कि अपने इंडिया में, है ना दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंडिया में सिंगल फेज हो या थ्री फेज सप्लाई हो कितना हर्टज होता है। फैराडे किसकी यूनिट है, ये दोस्तों आवेश की यूनिट है, किसकी है, ये चार्ज की यूनिट है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। जब दोस्तों आपकी तैयारी ना, तैयारी में दोस्तों जब दमदार तैयारी होगी तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम जाना जाता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है किसका उल्टा होता है, है ना, आयाम के रूप में, रेजोनेंस के रूप में, या टाइम पीरियड के रूप में। तो आंसर क्या होगा, टाइम पीरियड के रूप में। देखिए जो टी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट आती होती है। देखिए एक
फ्रीक्वेंसी यानी कि एक वेव कंप्लीट होने में, दोस्तों एक वेव कंप्लीट होने में देखिए कितना समय लगता है ना, टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है, तो जो टाइम लगता है ना वो 0.02 सेकेंड का समय लगती है, कितना 0.02 सेकेंड, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल है, तो 0.01 सेकेंड का जो समय है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और 0.01 सेकेंड का जो समय है वो पॉजिटिव निगेटिव साइकिल को कंप्लीट करने में लग जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों टाइम पीरियड, है ना। देखिए जो एसी सप्लाई होती है ना उसमें जो वेव होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के वेव होते हैं उसको देखिएगा, तो वेव कुल दोस्तों जो टोटल वेव है ना वो आपके होते हैं तीन प्रकार के, है ना, सॉरी चार प्रकार के। हर वेव का जो काम है वो अलग अलग है और हर वेव जो हमें प्राप्त भी होता है वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती है ना। और इसके साथ में एक होता है सॉटूथ वेव, इस प्रकार से सॉटूथ वेव, इसको हम कहते हैं साइन वेव, ये है आपका साइन वेव, और ये है रेक्टेंगल वेव यानी कि त्रिभुज, त्रिभुजाकार वेव, और ये है आपका स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, और ये है सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव। देखिए वेव का काम क्या होता है दोस्तों, जो तरंग होती है ना, जो वेव होती है उनका काम होता है कि किसी भी एनर्जी को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कराना, यही क्या होता है वेव का काम होता है ना। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्टार संयोजित परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिणाम होता है ना, ये होता है आपका संतुलित फेज करंट के बराबर। देखिए जो स्टार है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम डीपली में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लाइन करंट और फेज करंट का जो गेम है वो क्या होता है, लाइन करंट और कैसे क्या होता है फेज करंट। यहाँ से देखिए आपका ये निकल गया आर फेज, है ना, और ये है आपकी वाई फेज, और यहीं पर यह बी फेज। स्टार है तो स्टार से हमें न्यूट्रल भी प्राप्त होगा, तो ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट एन। देखिए हम यहां पर दोस्तों फेज करंट के बारे में देख रहे हैं ना, फेज करंट किसको कहते हैं, तो देखिए फेज करंट उसको कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक फेज है ना, ये एक फेज है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो भी करंट आप मापेंगे ना इसी को कहा जाएगा दोस्तों फेज करंट, है ना, फेज करंट। और लाइन करंट किसको कही जाएगी, तो एक फेज देखिए और ये दूसरा फेज, दो फेज के बीच में मापा गया करंट लाइन करंट कहलाएगी, कौन सी करंट होगी ये, लाइन करंट। तो लाइन करंट किसको कहते हैं और फिर फेज करंट किसको कहते हैं, ये आपने भली भांति से देख लिया है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइन करंट और जो फेज करंट होती है दोनों एक बराबर होती है ना, जो लाइन करंट और फेज करंट का रिजल्टेंट होता है वो स्टार वाइंडिंग में कैसा होता है, एक जैसा होता है, लेकिन डेल्टा में जस्ट इसका उल्टा होता है। एसी वोल्टेज का मापन करने हेतु एक मानक मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है जो क्या मापता है, यहां पर बात एसी वोल्टेज की कही गई है ना, तो दोस्तों आरएमएस मान की तरफ हम चलेंगे, आंसर भी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। औसत मान एसी में नहीं दोस्तों, ये डीसी में होती है। औसत मान कहाँ होती है, यानी कि जो डीसी सप्लाई पर काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो औसत मान को मापेंगी और जो एसी सप्लाई पर करते हैं वो आरएमएस मान को मापेंगी, ठीक है ना। बस दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है और जो इसका क्वेश्चन बनता है ना इतना ही लिमिटेड क्वेश्चन बनती है, ठीक है। कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी कौन सी होती है, वो बैटरी है आपकी सीसा संचायक सेल, है ना, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको यूज नहीं किया जा रहा है, सीसा संचायक सेल है जो कार में प्रयोग की जाती है। और देखिए इसकी जो एम्पियर हावर दक्षता के बारे में पूछे ना दोस्तों, वो 30 से लेकर के 60 एम्पियर हावर दक्षता वाली बैटरी कार में प्रयोग की जाती है, कितना 30 से लेकर के 60 एम्पियर हावर। बाकी देखिए निकल कैडमियम सेल, ये भी वेट सेल है, लैकलांची सेल, शुष्क सेल, ये सब कौन से सेल कहलाएंगे, ये प्राइमरी सेल कहलाते हैं, है ना। तो चलिए टोटल दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, यानी कि 25 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड में कंडक्ट कराया गया पेपर का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों आप तक पहुंच चुका है, और हर एक क्लास में इतना डीपली सॉल्यूशन पहुंचाया हूं, इतना डीपली सॉल्यूशन दोस्तों कि जब आप इस पूरे सेशन को देखेंगे ना तो आपको अनुभव हो पाएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था।
क्लियर। अब इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और इसका ई नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड करिए, ताकि दोस्तों जो आपकी रिवीजन है ना, उस रिवीजन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। दोस्तों कॉम्प्रोमाइज आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ई नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलिए, अगला सेशन किस पर लेना है ये आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।